नई शराब नीति को लेकर अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां पर एक तरफ विजय नायर को गिरफ्तार किया है तो ईडी के द्वारा समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, अहम गिरफ्तारियां, दो लगातार आप इन लोगों के नाम भी ले रहे थे, अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोई भी घोटाले में गिरफ्तारी होती है तो सबूतों के आधार पे होती है। दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसके मुख्य आरोपी हैं, और ऐसे में दो आरोपियों का गिरफ्तार होना अपने आप में गंभीर मामला है, और ये दर्शा रहा है कि विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और सिसोदिया और केजरीवाल के बहुत नजदीकी हैं, उन्होंने पैसे के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। मनीष सिसोदिया को अब बिल्कुल भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक मनीष सिसोदिया हैं तब तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए उनको पद पे बने रहने का हक नहीं है। लेकिन सरकार का लगातार ये तर्क है कि विजय नायर को गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ ये है कि उनपे दबाव बनाया जाए, और दबाव में वो मनीष सिसोदिया का नाम ले, जबकि ना ही विजय नायर इस पूरी पॉलिसी में इन्वॉल्व थे ना ही मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष सिसोदिया तो स्वयं शराब मंत्री थे, वो उस कमेटी के खुद चेयरमैन थे जिस कमेटी ने नई शराब नीति को मंजूरी दी है। विजय नायर उनके राइट हैंड है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दोनों के करीबी हैं, और उन्होंने सारे जो कड़ियां मिल रही हैं वो विजय नायर ही मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने पैसे के लेन देन कराए। दो दो स्टिंग ये बता रहे हैं कि कैसे उस दिन अमित अरोड़ा और चावला जो बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे कि इसमें विजय नायर की अहम भूमिका है। ये भी फिर कह रहे हैं कि क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक है, इससे पहले जब पंजाब चुनाव नजदीक थे तब भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा था, अब गुजरात चुनाव नजदीक है तो फिर से यह सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरात चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, मुद्दे को डाइवर्ट अरविंद केजरीवाल जी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट और घबराहट ये स्पष्ट कर रही है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। चलिए, निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि आखिर जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ती है क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रवेश शर्मा, टोक न्यूज, दिल्ली।